हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू ये दिखाना चाहता हूँ कि इंजन जो हमारा एक इंजन होता है उसमें दो जो मेन पैरामीटर होता है, एक लो लूब ऑयल प्रेशर जिसके वजह से इंजन क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, और दूसरा है कि हाइट इंजन ओवरहीट। अभी जो देख रहे हैं आप पॉइंट वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये एक वाटर जो हम लोगों का वाटर पम्प है उसका एक थर्मोस्टेट का ये एक सेंसर है जो ओवरहीट होने के बाद ये बॉडी के साथ ही ग्राउंड हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो इंजन का बॉडी है वो एक नेगेटिव का पल्स जो है डायरेक्टली प्रोवाइड करता है जीएसयू को। उस सेंस के थ्रू जीएसयू में ये पल्स जाता है कि इंजन अभी ओवरहीट हो गया, और उसके वजह से इंजन बंद हो जाता है। तो अभी मैं एक कनेक्शन जो है डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ जीएसयू में, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जब रनिंग कंडीशन में कुछ देर इंजन चलते समय वो जैसे ही वो अलार्म आएगा HWT का या हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आएगा, अलार्म आते ही रनिंग कंडीशन में विद इन 30 सेकेंड ये इंजन को स्टॉप कर देता है। तो ऑलरेडी यहाँ आप देख सकते हैं कि अलार्म आने वाला ही है, और जस्ट आप देखिए ये वो यहाँ जो शाइनिंग दिखाया जा रहा है HWT और SCT, वहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होगा और इसका मतलब वो अलार्म ट्रिगर हो गया है। अभी ये देखिए अलार्म ट्रिगर हो गया, जैसे ट्रिगर हुआ वैसे बंद हो जाएगा ये। और यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक इंजन का LLOP सेंसर है और एक स्विच है। सेंसर जो है वो सेंस काम करता है कि कितना लो ऑयल प्रेशर उस समय इंजन का है, उसका इंडिकेटर किस तरह ये काम करता है। दूसरा है स्विच, स्विच का काम है कि अनोइंसी प्रोवाइड करना। यदि हमारा DG रनिंग कंडीशन में होता है तो ये स्विच अनो होता है, और हमने क्या किया है कि इसमें फॉर सिमुलेशन ऑफ लो लूब ऑयल प्रेशर हमने क्या किया है कि ये रनिंग कंडीशन में इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये बस जेसू में ये सेंस जाने वाला है कि तो हमारा लूब ऑयल जो है वो काफ़ी लो है, ये सेंस जाने वाला है। अब ये सेंस जैसे ही मैंने प्रोवाइड किया जेसू को, अब जेसू विद इन 30 सेकेंड एक एक्शन लेता है। एक्शन ये लेता है कि लो लूब ऑयल प्रेशर की वजह से वो इंजन को बंद कर देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलार्म आ चुका है और वो इंजन को इस समय बंद कर देंगे, और ये इंजन ऑलरेडी स्टॉप हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेफ्टी पैरामीटर काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरा चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारा इंजन का पूरा एक जो है हमारा GSU का उसका एक डायग्राम।